अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग है टिकटॉक से करी हुई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, और यहाँ पे सबसे पहले निकाला है अरीज का सूट, पजामा और शर्ट, और उसके साथ है ग्रीन कलर की, पैरेट ग्रीन कलर की इसकी कार। तो मैं देख लेती हूँ इसका प्रिंट और साथ ही इसका फैब्रिक, तो जो इसका स्टफ़ है वो भी मैं देख के आपको बताती हूँ। ये है मेरी लिटिल प्रिंसेस की टी शर्ट, बड़ा ही लाइट कलर की ये शर्ट है, और इसका जो फैब्रिक है कुछ इतना ख़ास नहीं मुझे लगा। चले, ये तो हो गई शर्ट और ये हो गया इसका पजामा शर्ट, और ये मुझे प्रिंट इतना अच्छा लग रहा था, और सीरियसली है भी प्रिंट अच्छा, लेकिन पजामे का भी जो स्टफ़ है वो इतना कोई ख़ास है नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम का है एक्सपीरियंस टिकटॉक से। तो उसके बाद जो है ये हसन का शूज़ है, तो ये इसको जो है यहाँ पे रख लेती हूँ, बाकी ये जो है अरीज का सूट यहाँ, एक जगह सारे कपड़े रख लेती हूँ ना, चीज़ें जो भी मंगाई हैं। तो ये है हसन का शूज़, स्पोर्ट शूज़, और ये काफ़ी अच्छा है, ये देखें, और काफ़ी अच्छा है, यानी कि सूट के हिसाब से, अरीज के सूट के हिसाब से ये स्पोर्ट शूज़ तो काफ़ी अच्छा आया है। चलो जी, इसको जो है बंद करके मैं साइड में करती हूँ, और अब ले आती हूँ अपना ये बैग। यहाँ पे जो है मेरी बैग्स की कलेक्शन में हो गया है और भी ज़्यादा इजाफा, तो ये मुझे प्यारा सा लगा था, छोटा सा, और इस तरह का जो है डिज़ाइन मेरे पास नहीं है, इस बार मैंने मंगा लिया। और इसके साथ जो है ये बेल्ट दिया हुआ है, और ये है इसका टुनटुना, जो मैं नहीं लगाऊंगी, सीरियसली अजीब सा लग रहा है, बहरहाल ये जो है सोबर सा ही लगेगा बैग के साथ ही। और ये है मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा बैग। अब आती है बारी फिर से फ्रॉक्स की, ये मैंने सेम मंगा लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इसका प्रिंट, तो मैं जो हूँ सिर्फ एक ही खोल के अभी दिखाती हूँ। सेम ही प्रिंट है, सेम ही डिज़ाइन है फ्रॉक का, तो यहाँ पे जो है मैं खोलती हूँ एक ही फ्रॉक, और वो जो है ये किसके साइज़ की है, आई थिंक हफ्सा की है ये। तो ये इसके साथ ये बेल्ट है एक, और ये है फ्रॉक। सो मैं जो हूँ इसको बड़ा ही तहजीब और तमीज़ से इसको बिछा के फैला के आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। सो ये देख लीजिए, ये है फ्रॉक, और इसका भी जो है फैब्रिक इतना कोई ख़ास नहीं है, अगर मैं कहूँ 5 रियाल वाली शॉप वाला तो वो सही है, उसी के बराबर है यानी के। तो डिज़ाइन अच्छा था, आप देख सकते हैं इसका जो प्रिंट है और वो काफ़ी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो ये है अरीज का, तो यहाँ पे जो है मुझे अरीज का पहला सूट भी अच्छा नहीं लगा, और ये दूसरा भी। अब आती है बैग की बारी, सो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा बैग लगा था ट्रैवलिंग के लिए, बच्चों के लिए, ये देख रहे हैं मैंने अरीज के लिए मंगाया, छोटा सा बैग है ये, तो इसमें जो है एक इसकी वाटर बॉटल आ जाएगी, 2-3 किस्म के जो है इसके टॉयज, और खाने पीने का छोटा ही आएगा सामान, इतना नहीं आने वाला, लेकिन चलो जी, एक इसका अलग से हो गया बैग, क्योंकि अक्सर मैं इसका जो है बैग नहीं मंगाती हूँ, हफ्सा का ही मंगा लेती हूँ। इस बार जो है मैंने अरीज के लिए भी मंगा लिया है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्राइस भी मेंशन करके दिखाती जा रही हूँ कि ये कितने का मिला है। तो यहाँ पे जो है एक और सूट निकला है, क्योंकि मैंने जो है फ़र्स्ट टाइम करी थी शॉपिंग, और मैंने खूब ढेर सारा कपड़े मंगाए हैं, तो यहाँ पर जो है हसन का है ये शॉर्ट, और कपड़ा इसका अच्छा है, शॉर्ट्स का ये देख सकते हैं, इसका कपड़ा अच्छा है बच्चों के निस्बत, काफ़ी ये बेहतर है। तो ये हो गया इसके एक शर्ट और ये शर्ट का भी जो डिज़ाइन तो छोड़ो, दूसरी बात है, लेकिन इसका जो फैब्रिक है ये भी अच्छा है शर्ट का। और ये आती है हफ्सा के शर्ट की बारी, और साथ ही साथ ये और भी फ्रॉक्स, मैंने जैसे बताया कि मैंने कपड़े बहुत मंगा लिए हैं सामान भी के साथ साथ, तो यहाँ पे जो है अरीज की ये फ़्रॉक है, और ये बहुत खूबसूरत इसका प्रिंट है, यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका प्रिंट है, और मुझे जो है इसका कपड़ा इतना ख़ास नहीं लगा, सीरियसली मुझे इसका जो ये फैब्रिक है वो इतना ख़ास नहीं है। चलो कोई मसला नहीं, फ़र्स्ट टाइम था हमारा तो हमने कर ली शॉपिंग। ये है कि नेक्स्ट टाइम जो है बच्चों के कपड़े नहीं मंगाऊंगी, लेकिन हसन का जो अभी मैंने कपड़ा देखा था काफ़ी अच्छा है, तो ये भी देख सकते हैं, हफ्सा की है ये शर्ट, और इसका भी प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे ये जो है लोकल है, कोई ब्रांड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सो कोई जैसे होता है ना मेड इन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो नहीं है, ये लोकल है,
तो यहाँ पे ये देख सकते हैं दो और फ्रॉक्स हैं, और ये भी अरीज और हफ्सा की मैंने सेम सेम मंगा ली। तो ये जो है ये भी हफ्सा की ही खुल गई है फ्रॉक, बड़ी ही प्यारी साइज़ का ये भी प्रिंट है। ये देखें कितना प्यारा है इसका ये प्रिंट, और इसका भी फैब्रिक जो है वो मोटा है, यानी कि एक धुलाई के बाद इतना इसका कोई ख़ास रहेगा नहीं कपड़ा। तो ये इसका डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। चलो खैर है, कोई बात नहीं, मैं बार बार तसल्ली भी अपने आप को देती जा रही हूँ। तो ये आ गई है मेरी सैंडल, और इस बार जो है मैंने इस तरह की मंगाई है, और इसलिए कि मेरे पास काफ़ी शूज़ हो चुके हैं, स्पोर्ट्स शूज़ हैं, हाई हील्स हैं, और इस तरह की ये बड़ी सॉफ्ट सी है और अच्छी है, तो ये मुझे बड़ी पसंद आ गई है, अच्छी है। चलो जी, मेरी चीज़ भी बड़ी अच्छी निकला है, ये बैग भी निकला है। तो ये आ गया है मेरा दूसरा बैग। जैसे मैंने बताया मेरे पास बहुत एक वक्त आएगा मेरे पास खूब ढेर सारी कलेक्शन तो होगी होगी, मेरे पास 48 बैग्स हो चुके हैं, क्योंकि मैं जो हूँ खूब ही ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ बैग्स की, और मुझे उसमें से काफ़ी बैग्स ऐसे होते हैं जो मैं छोड़ के भी आ गई हूँ पाकिस्तान, फिर जब जाऊँगी तो चलो जी किसी के घर या दावतों में मैं लेके जाती हूँ, मेरे पास खूब ढेर सारे बैग्स ही बैग्स हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक और बैग निकल आया है, और उसके अंदर भी एक और बैग है, बड़ा प्यारा सा इसका डिज़ाइन है। भाई मैं बैग्स की जो है बड़ी शौकीन हूँ, और ये निकल आया है एक और बैग, इसको जो है मैं कॉस्मेटिक पाउच बना देती हूँ, और ये जो है बेकार है, मेरे लिए किसी काम का नहीं होता, और सबसे ज़्यादा बेकार तो ये है कार्ड्स वाला, इसके अंदर मैं कार्ड्स रखती हूँ, ज़रूरत के टाइम पे ये कभी नहीं निकलते भाई, तो इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा बुरा लगने लग गया है ये वाला। और सबसे अच्छा जो है ये मेरा सही है, बहुत ही सही साइज़ का है ये मेरा बैग, इसके साथ जो है कॉस्मेटिक वाला बैग वो भी काफ़ी अच्छा है। और अब आती है बारी मेरे थर्ड बैग की, यानी कि ब्राउन कलर का, और ये जो है मेरे सबसे ज़्यादा बैग्स में जो है ब्राउन कलर मौजूद होता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये ब्राउन कलर का बैग। सो ये जो है चाइना लेदर है, ओरिजिनल लेदर नहीं है भाई, ये देख लीजिए, क्योंकि इतनी सस्ते कीमत में आपको ओरिजिनल लेदर कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे जो ये बटन वाला है, और ये एक और पाउच है, वैसे मैंने तस्वीर में देखा था काफ़ी अच्छा था ये, तो चलो मैं खोल के अब देख भी लेती हूँ ये वाला भी, ये वाला कैसा है। और ये जो है यहाँ पे खुल चुका है, थैली से बाहर निकालती हूँ, और ये देखिए कितना प्यारा सा है ना डिज़ाइन, मुझे बहुत अच्छा लगा था इस वाले बैग्स का। और इसमें जो है दो और कलर हैं, ब्लैक भी और वाइट भी, दोनों बेकार हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते वाइट और ब्लैक कलर का बैग्स। तो ये जो है इसका ये पट्टा शट्टा है, तो अगर इसको अगर ये सिंपल रख लेते तो बेस्ट होता, बहरहाल ये भी सही है। उसके साथ है ये थर्ड छोटा मोटा सा, ये देख लें ये भी कड़ा काफ़ी अच्छा है। सो ये जब मैं खोल के देख लेती हूँ, और अभी मेरी जो है दो तीन आ रही हैं दावतें, तो इस बार जो है ये बैग जाएगा। सो अब जो है ये भी बड़ा क्यूट सा है ना, और मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा था, कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाले कलर जो है मुझे बैग्स में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ जो है ये है चेन शैन लटकाने की, तो ये हो गया मेरा तीसरा खूबसूरत सा बैग। तो मेरी जो है और भी ज़्यादा दुकान खुल चुकी है बैग्स की। अब आती है लंच बॉक्स की बारी, क्योंकि हफ्सा के जो है अभी स्कूल्स खुलने वाले हैं, 4 सितंबर से जो है इसके स्कूल खुल जाएंगे, 3 महीने की छुट्टी थी। अब आप लोग बोलेंगे इतनी देर में क्यों खुल रहे हैं, बहरहाल छुट्टियाँ भी देर से लगी थी भाई, 25 जून से लगी थी इनकी छुट्टियाँ। सो यहाँ पे जो है अरीज का भी स्पोर्ट्स शूज़ मंगा लिया है, लेकिन बाय मिस्टेक ना बड़ा आ गया भाई, ये जो है अरीज का 28 आना चाहिए था और मैंने मंगा लिया है 32, तो ना ही अफसा के आएगा ना ही अरीज के आएगा, अभी रख लूँगी। सो यहाँ पे और भी मैं अपना जो है साजो सामान निकालती हूँ कार्टन से, इसको सीरियसली उठा के लाना इतना मुश्किल था ना क्या बताऊँ। तो ये आ गया है मेरा ट्राउज़र, मैं सोचती हूँ कि जैसे शीन के ज़ारा के ट्राउज़र होते हैं ना, वो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन ये वही 5 रियाल वाला कपड़ा है, सीरियसली कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन चलो जी घर के अंदर मंगलियों की तरह जो होते ना वो पहनना अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे जो है अरीज की एक और सा सूट है, बड़ा प्यारा सा है, ये है अरीज की शर्ट और ये है पैंट ट्राउज़र, बहुत ही प्यारे डिज़ाइन का है, और कपड़े की क्या बात करूँ छोड़ो। तो ये आ गया है फेस बेल्ट, वैसे मेरी जो है डबल चिन नहीं है, ये हसन के लिए मैंने मंगाया है,
कलर थोड़ा छिचोरा आ चुका है, लेकिन चलो जी किसने देखना, घर में ही तो पहनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी जो है डबल चेन मोटापा ख़त्म हो चुका है। जिस किसी दौर में था तो लोगों के जो मुंह थे वो चलते रहते थे, मैं मोटी हो गई हूँ, जैसे मैं उनका खा रही होती थी, उन्हीं का खाना खाती थी आई थिंक, जो उनको ज़्यादा तकलीफ थी। पर अब मैं कमज़ोर हो गई तो कोई नहीं कहता कि कमज़ोर हो गई हो, आप स्मार्ट हो गई हो। बहरहाल ये आ गई हैं पेंसिलें और बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने तो बड़ा साइज़ देखा था, ये तो छोटी छोटी सी निकलाई पेंसिलें। खैर ये आ गई हैं पोनियाँ शोनियाँ, और ये ढेर सारी हैं, देखिए क्या कलरफुल सी मल्टी कलर की पोनियाँ क्लेप सारे हैं और सही प्राइस में मिल गए हैं भाई, ये सबसे बड़ी बात ये है। और ये है दर्द की पट्टी, मेरे बाबा को सबसे ज़्यादा पसंद की लगती है ये पट्टी। अब आती है ये लिपस्टिक की बारी, यानी कि बड़ी ये चल रही है, आप लोगों ने इंस्टा में काफ़ी ज़्यादा इसके जो हैं देखे होंगे, रील्स बनती रहती हैं। बहरहाल ये खुलता जी खुल गया भाई, ये ऐसा है और कलर भी बड़ा अजीब सा है, लेकिन ज़बरदस्त है भाई, इसकी खुशबू कितनी मज़े की है, खाने को दिल करा, लेकिन बड़ी अच्छी है ये लिपस्टिक, ज़बरदस्त सी है ये। अब आती है ये रगड़ाई शगड़ाई का, और ये मैंने ऐसी मंगा लिया, ऐवा ही बात होती है कि इसको रगड़ने से बाल हटते हैं, वैसे मेरे हाथों में तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मैंने मंगा लिया, मैंने कहा चलो जी सस्ता मुस्ता सा है। और ये आते हैं गुब्बारे, बलून है बच्चों के, यानी कि वही, तो ये एक ही कलर के आ गए, मैंने तो मल्टी कलर का मांगा था, लेकिन चलो जी ये आ गए हैं एक ही कलर के, खैर कोई बात नहीं। अब आती है ये है मेरे ब्लड शलेड, यानी कि फेस का जो है हल्के फुलके जो मेरा रुआ है फेस पे, वो उसके हटाने के लिए आता है। अब ये है स्टोरेज बैग, तो मैंने शीन से भी मंगाया था, बेहतरीन निकला था शीन से, तो मैंने इधर से भी मंगा लिया है। सो अब जो है इसका मैं देखूं भाई खुलने का कहाँ से है, और ये कितना बड़ा है, वैसे उसमें जो है साइज़ मेंशन हुआ हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा देख लेती हूँ कितने साइज़ का है ये, तो ये तो खुली नहीं रहा, इतना सख्त हुआ हुआ है, अरे वापस वैसे ही लोहे के नीचे, इसका जो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कागज़ है। बहरहाल इसमें बच्चों के टॉयज तो रख नहीं सकती, हाँ हल्का फुल्के जो है कपड़े चादर्स वो रख सकती हूँ, क्योंकि इतना कोई ख़ास नहीं है, मुझे जीप भी नज़र नहीं आ रही कि कहाँ से रखनी है, तो अच्छा ये है जीप, चलो जी मिल गई है जीप। और ये आ गई है मेरी छोटी मोटी ट्रेवलिंग की, कुछ ज़्यादा ही छोटी निकल आई हैं भाई ये लिपस्टिक्स, कोई बात नहीं मिनी है तो मिनी लिपस्टिक्स को ज़्यादा ही मिनी हो गई हैं, तो काफ़ी सही हैं ये है 6, और मैं ये इस्तेमाल करके बताऊँगी आपको कैसी हैं ये और कितना टाइम चल सकती हैं। और अब आती है बारी ये मेरी घड़ी की, और उसके साथ है ब्रेसलेट, ये भी बहुत सस्ता मुस्ता सा मिला है, सही प्राइस में मिल चुका है। मैं अगर आपको कहूँ ये इसका काफ़ी अच्छा है डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, यानी कि जो चीज़ आपने पसंद करी है टिकटॉक से उनके जो ऑनलाइन शॉपिंग से वही चीज़ आई है, उसमें से कोई और गड़बड़ यानी कि गलत चीज़ नहीं आई है, हाँ कपड़ों के हिसाब से थोड़ी सी आया है वो भी बच्चों का। तो ये आ गया है मेरे जो है कंधे पे दर्द होता है, तो ये मैं हसन ने ये मेरे लिए मंगा लिया है, बेल्ट है, और उसके साथ ये आ गई है बच्चों की, ये जो है अब देखो क्या होता है, घर के बाहर ही मैं चलवाऊँगी, घर के अंदर कौन चलाता है भाई छोड़ो। बहरहाल ये एक और गाड़ी निकल आई छोटी मोटी सी, उसके साथ जो है ये है लिपस्टिक, ये है लिप ग्लो है, और मैंने जो चूज़ किया था वही कलर निकला, लेकिन ये जो है ड्राई क्यों है, लिप ग्लो है, बहरहाल कोई बात नहीं देख लेते हैं, वैसे भी बड़ी महंगी नहीं थी, सस्ती मुस्ती सी थी। सो अब जो है ये आता है ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, और ज़रूरत बहुत होती है इसकी भाई, जो हमारा स्पेस घे होता है ना चीज़ों का, जो हम सामान रखते हैं ब्लैंकेट रखते हैं, या फिर सर्दियों के जो सख्त से मोटे मोटे जो हमारे पास कपड़े होते हैं, उसका जो है ये बेहतरीन हल है, इसको जो है लगा के और इसमें से हवा निकाल दो, सारे के सारे कपड़े जो है पिचक जाते हैं, तो वो जो हमें ट्राई करूँगी, क्योंकि काफ़ी मेरे ऐसे हैं कपड़े जो अभी फैलावा मच जाता है, लेकिन मैं भी हूँ ना पक्की वाली पाकिस्तानी हूँ, मैंने भी है ना बेड के नीचे रखे हैं, मैंने अपनी जो है अलमारी खाली कर देती हूँ, जो है गर्मियों के तो गर्मियों के, सर्दियों के तो सर्दियों के, तो ये जो है ये मशीन मंगा ली है, और अब जो है उसको इस्तेमाल करूँगी किस तरीके से होगा। उसके साथ जो है ये मैंने सारी चीज़ें निकाल ली, मेरा देखो डब्बा खाली होने वाला है, ये जो है आँखों पर पट्टियाँ
बच्चे सोएंगे तो पट्टियाँ लगा लेंगे, कोई मसला नहीं। गरीब जो है वो दो दो तीन तीन बजे तक उल्लुओं की तरह जागती है और मैं भी जो हूँ फ्री की दिहाड़ी लगाती रहती हूँ, उसके साथ बैठी होती हूँ। बहरहाल ये जो है मेरा बचपन का, मैंने नहीं मंगाया, हसन ने मंगाया है, बच्चों का है। अब देखो जो टैब और मोबाइल चलाने वाले बच्चे हैं वो ये वीडियो गेम कैसे खेलेंगे, देखते हैं कितने दिन चलते हैं। ये दोनों के लिए मंगा लिया है हसन ने, क्योंकि इस तरह के बच्चे हैं ना जो वीडियो गेम खेलने वाले, वो हमारे ज़माने में थे हमारे, तो ये जो है बेकार सी बच्चों की आ गई है, या देख सकते हैं बेकार तरीन सीरियसली। और लेकिन बस बच्चों ने कहा है तो हसन ने मंगाना है। ये है, एक अरीज ले लेगी, एक हफ्सा ले लेगी, बाकी जो अगर फैलावा हुआ तो उनकी माँ उनको बता देगी, अगर किसी चादर या फिर सोफे पे चिपका दी गई तो। अब जो है आगे मैं दिखाती हूँ, ये है मेरा वैक्यूम क्लीनर, ये जो है चार्जेबल वैक्यूम क्लीनर है और बड़ा ही छोटा सा है। ये देखें छोटा सा इसका ये है क्लीनर का, ये इसके अंदर कचरा जाएगा, छोटा सा थोड़ा ही जाएगा कचरा। लेकिन चलो जी, ये है कि घर की थोड़ी मोटी जो, पहले तो मैं इसके साथ खेल लूँ। ये देखें बड़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका पटक पटक करने की, आहा क्या बात है, बचपन याद आ जाता है। मैं बच्चों से ज़्यादा मैं खुद ही खेलती हूँ उससे। बहरहाल ये है इसके पाइप शाइप, और इसकी सबसे बड़ी बात बताए क्या, हसन अपनी गाड़ी साफ़ कर लेगा इससे। तो ये आ गया इसका चार्जर जो पीछे गिर गया था मैंने जब डब्बा निकाला था। बहरहाल ये जो है अभी कहानी मेरी हो गई है कंप्लीट, मेरी हो गई है शॉपिंग पूरी, और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि टिकटॉक से आप लोग क्या क्या मंगा सकते हैं, बेहतरीन सी चीज़ें निकली हैं सिवाय बच्चों के कपड़े, सीरियसली। बाकी आप अपने कपड़े से लेके और कॉस्मेटिक से लेके शूज़ से बैग्स ये सब देख सकते हैं, सारे अच्छे आए हैं। सो यहाँ पे जो मैं जो हूँ आप लोगों को शेयर कर रही हूँ अपनी वीडियो, और मैं अब आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, तो पूरे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।